क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल का ये सीजन आधा हो चुका है। सभी टीमों के बीच जबरदस्त फाइट चल रही है और अभी भी ये साफ नहीं हो पाया है कि इस बार प्लेऑफ में कौन कौन सी टीमें जाने वाली है, क्योंकि सारी ही टीमें एक से बढ़कर एक है। हालांकि कुछ टीमें शानदार होने के बाद भी, अच्छा खेलने के बाद भी मैच नहीं जीत पा रही, और उनमें से एक टीम आरसीबी भी है जो कि छोटी छोटी गलतियां कर रही है और वो उन पर भारी पड़ रहे हैं। केकेआर के साथ हुए मैच में भी बेंगलुरु को ऐसे ही हार मिली और इस हार के बाद आरसीबी के विकेटकीपर बल्लेबाज दिग्गज दिनेश कार्तिक का संन्यास तय हो गया है, क्योंकि मैच में कप्तानी कर रहे विराट कोहली ने मैच के बाद साफ साफ कह दिया कि अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो खिलाड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं, जो सीनियर आगे नहीं आ सकते हैं, वो टीम से बाहर होंगे और दिनेश कार्तिक उनमें से एक हैं। तो क्या होने वाला है दिनेश कार्तिक के साथ, क्यों मजबूर हो गए दिनेश कार्तिक संन्यास के लिए, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी पर इस सीजन पर अपनी राय जरूर दें। तो दिनेश कार्तिक का पिछला सीजन बेहद ही शानदार गया था और उसी के बाद 37 साल के दिनेश कार्तिक को T20 वर्ल्ड कप की टीम तक में चुन लिया गया। लेकिन इस बार अब तक हुए 8 मैचों में आरसीबी के लिए दिनेश कार्तिक एक बार भी प्रभाव छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, रन तक नहीं बना पा रहे, पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं और ऊपर से दूसरे जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं उन्हें दिनेश कार्तिक आउट करवा दे रहे हैं। जी हां, ऐसा ही हो रहा है और बीते मैच में भी ऐसा ही हुआ, इसीलिए तो अब दिनेश कार्तिक का संन्यास तय हो गया। केकेआर के साथ मैच में आरसीबी के 3 विकेट जल्दी गिर गए, लेकिन विराट कोहली ने महिपाल लोमरोर के साथ पारी को संभाला, आरसीबी को मैच में बनाए रखा। करीब 11 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 100 रन से ज्यादा था, यानी कि ठीक ठाक स्कोर था, और 9 ओवर में 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रनों की जरूरत थी, जो कि आसानी से बन सकते थे आईपीएल में, यानी कि पूरा का पूरा मैच ऑन था। लेकिन वहीं पर पहले लोमरोर का विकेट गिर गया तो दिनेश कार्तिक मैदान में आ गए। अब कार्तिक के लिए यहां पर पूरा स्टेज सेट था, बेहतरीन मौका था टीम को जिताने का, खुद की छाप छोड़ने का, फॉर्म में वापस आने का। लेकिन ये क्या, दिनेश कार्तिक फिर से फेल हो गए। दिनेश कार्तिक की धीमी बल्लेबाजी देखकर सेट बल्लेबाज विराट कोहली ने रिस्क लेने की कोशिश की, लेकिन विराट भी आउट हो गए और खुद दिनेश कार्तिक रन बने नहीं। कार्तिक बेहद धीमा खेल रहे थे, 18 बॉल में सिर्फ 22 रन बनाए और आउट हो गए। अब कार्तिक सिर्फ खुद ही आउट नहीं हुए बल्कि दूसरे बल्लेबाज सुयश प्रभुदेसाई को, जो कि अच्छा खेलते हैं, लंबे छक्के लगाते हैं, उन्हें भी रन आउट करा दिया। दिनेश कार्तिक के साथ ये समस्या बहुत पुरानी और बड़ी हो गई है, वो साथी खिलाड़ियों को जमकर रन आउट कराते। दिनेश कार्तिक पहले रन के लिए दौड़ पड़ते हैं और जब साथी खिलाड़ी दौड़ते हैं तो दिनेश कार्तिक वापस अपनी जगह आ जाते हैं और ये उनका ब्लफ उनकी ही टीम पर भारी पड़ रहा है। पिछले मैच में वानिंदु हसरंगा डिसिल्वा को रन आउट कराया, उससे पहले और भी खिलाड़ियों को रन आउट कराया, और यहाँ पर इस मैच में रन बनाने की क्षमता रखने वाले, लंबे छक्के लगाने वाले प्रभु देसाई को रन आउट करा दिया और एक झटके में न सिर्फ खुद का विकेट गिराया बल्कि दूसरा विकेट भी गिफ्ट में दे दिया और आरसीबी को पूरी तरह से मैच से बाहर कर दिया। एक झटके में दिनेश कार्तिक ने मैच हरा दिया। अब इसके बाद दिनेश कार्तिक पर दिग्गज कमेंटेटर्स ने भी सवाल उठा दिए और कह दिया कि उन्हें अब अपनी जगह यहाँ पर टीम से खाली कर देनी चाहिए, क्योंकि दिनेश कार्तिक से अब हो नहीं पा रहा है, वो जबरदस्ती खुद को खींच रहे हैं। हालांकि विराट ने यह भी कहा कि टॉप ऑर्डर हमेशा रन बनाए जरूरी नहीं है, मिडिल ऑर्डर को भी जिम्मेदारी संभालनी होगी, मिडिल में सीनियर खिलाड़ियों को आगे आना होगा, रन बनाना होगा, लेकिन ये हो नहीं रहा है। अब यहाँ पर सीधे सीधे विराट कोहली का इशारा दिनेश कार्तिक की तरफ था, जो कि बेहद ही खराब खेल रहे हैं, अच्छा खेलने वाले दूसरे खिलाड़ियों को रन आउट करा रहे हैं और एक तरह से टीम पर बोझ बन गए हैं। विराट ने कहा कि अगले मैच में हम बदलाव के साथ उतरेंगे, क्योंकि अब हार सहन नहीं कर सकते, हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि अब हारे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में दिनेश कार्तिक का टीम में रहना मुश्किल है, टीम से वो बाहर हो सकते हैं और दिनेश कार्तिक को बीच आईपीएल में संन्यास भी लेना पड़ सकता है। अब इससे पहले भी ये हो चुका है दिल्ली की टीम के साथ, जब दिल्ली की कप्तानी कर रहे गौतम गंभीर ने 20 सीजन संन्यास लिया था और श्रेयस अय्यर को दिल्ली का कप्तान तब बनाया गया था, और यहाँ पर आरसीबी में अब ये हो सकता है दिनेश कार्तिक संन्यास ले सकते हैं। दिनेश कार्तिक की जगह उत्तराखंड के रहने वाले पहाड़ी बॉय अनुज रावत को विकेट कीपिंग का जिम्मा मिल सकता है, जो कि लंबे छक्के लगाने में भी माहिर है। और बड़ी बात है कि विराट कोहली अनुज रावत को खासा बैक करते हैं, शुरुआती कुछ मैचों में अनुज रावत को खिलाया भी गया था और यहाँ पर अनुज रावत ही दिनेश कार्तिक को रिप्लेस कर सकते हैं। विराट कोहली ने इसका साफ साफ और बड़ा इशारा दे दिया। तो आपका इस पर क्या कहना है, क्या दिनेश कार्तिक को फाइनली संन्यास ले लेना चाहिए, क्या वो टीम पर बोझ बन गए और जबरदस्ती अपनी ही टीम को मैच हरा रहे हैं, आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में अभी के अभी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई और गुजरात के बीच खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी की, मिलर, अभिनव मनोहर और फिर राहुल तेवतिया के जोरदार प्रहारों से गुजरात की टीम ने स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया, 209 रन का टारगेट मुंबई के सामने रखा।
मुंबई की टीम एक बार फिर बल्लेबाजी में फ्लॉप हो गई। दोनों ही ओपनर्स धड़ाम हो गए तो तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव भी चलते बने और करीब करीब 10-12 ओवर के आसपास ही मुंबई की हार पक्की हो गई थी। हालांकि निचले क्रम पर आए निहाल वडेरा ने कुछ शॉट्स जरूर लगाए मगर वो भी ना काफी रहे। अब निहाल और पीयूष चावला ने ठीक ठाक साझेदारी की मगर उसके बाद भी मुंबई की हार पक्की थी क्योंकि आखिरी 3 ओवर्स में 18 बॉल में जीत के लिए 73 रन बनाने थे जो कि नामुमकिन था। यानी कि मुंबई की हार पक्की हो गई थी 17 ओवर खत्म होने के बाद। मगर निहाल वडेरा ने यहां पर क्या किया वो देखिए जो कि हैरानी भरा था, चौंकाने वाला था। 18वें ओवर की पहली बॉल ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी जिस पर पीयूष चावला शॉट नहीं लगा पाए, बॉल को छोड़ दिया तो बॉल विकेट कीपर के पास चली गई। अब दोनों स्ट्राइक एंड से दौड़ते हुए निहाल वडेरा आए और स्ट्राइक एंड पर पहुंच गए। अब वहां पर पीयूष चावला खड़े थे जो कि रन नहीं ले रहे थे। अब हालत ये थी कि खुद को क्रीज पर पहुंचाने के लिए और पीयूष चावला को क्रीज से बाहर करने के लिए निहाल वडेरा ने पीयूष चावला को धक्का दे दिया, क्रीज से बाहर कर दिया। जी हां, भरे मैदान में सारे खिलाड़ियों के सामने, पूरी दुनिया के सामने ये सब कुछ हुआ जब सीनियर खिलाड़ी पीयूष चावला की बुरी बेइज्जती कर दी एक 22 साल के लड़के ने। और पीयूष चावला ने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप पीयूष चावला पवेलियन छोड़ दिए। पहले उन्होंने क्रीज छोड़ा और निहाल वडेरा का विकेट बच गया, पीयूष चावला आउट हो गया और फिर उसके बाद पीयूष चावला चुपचाप सिर झुकाकर पवेलियन की तरफ लौट आए। अब यहाँ पर सिंगल नहीं होता या रन नहीं भी होता तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था क्योंकि मुंबई की टीम हार चुकी थी, लेकिन निहाल वडेरा को अपनी 50 लगानी थी और उसी के लिए दौड़ पड़े और चावला के साथ बदतमीजी कर दी। अब ये अकेला इंसिडेंट नहीं था, इसके बाद अगली ही बॉल पर क्या हुआ वो देखिए। नए बल्लेबाज अर्जुन तेंदुलकर विकेट पर खेलने आए और अगली ही बॉल पर निहाल वडेरा ने शॉट मारा। बॉल चौका तो नहीं हुई लेकिन हाँ काफी दूर चली गई जिसमें टहलते हुए भी एक रन आसानी से लिया जा सकता था। लेकिन इस बार निहाल वडेरा ने जो कि खुद स्ट्राइक पर थे तो सिंगल लेने से मना कर दिया क्योंकि निहाल वडेरा खुद स्ट्राइक पर रहना चाहता था। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर ने रन ले ही लिया और निहाल वडेरा को भी रन लेने के लिए मजबूर कर दिया। अब यहाँ पर निहाल वडेरा अर्जुन तेंदुलकर पर बुरी तरह से भड़क गया, फ्रस्ट्रेट हो गया और रन लेने से बेहद नाराज हो गया क्योंकि निहाल वडेरा हर हालत में स्ट्राइक चाहता था, अपनी 50 लगाना चाहता था। अब हैरानी देखिए, जहाँ पर सिंगल नहीं था वहाँ जबरदस्ती सिंगल ले लिया और खिलाड़ी को आउट कर दिया, दूसरे खिलाड़ी को जो कि अच्छा खेल रहे थे क्योंकि खुद स्ट्राइक चाहिए थी। और जहाँ पर सिंगल रन था वहाँ पर सिंगल नहीं लेने को कहा और रन ले लिया तो फिर अपने ही साथी पर भड़क गया। अब ये कोई सीनियर खिलाड़ी नहीं कर रहा था, कोई धोनी, विराट, रोहित शर्मा ये नहीं कर रहा था। अगर वो करते तो बात में दम लगती, भरोसा होता, लेकिन यहाँ पर 22 साल का लड़का जिसने कुल मिलाकर 3 मैच खेले हैं वो इस तरह का एटीट्यूड दिखा रहा था। निहाल वडेरा ये सब कुछ कर रहा था जो कि हैरानी भरा था और इसीलिए तो मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा भी भड़क गए। कप्तान रोहित शर्मा ने निहाल वडेरा की जमकर क्लास लगाई और रोहित ने कहा कि मैच के आखिर में कुछ इंसिडेंट हुए जो कि नहीं होने चाहिए थे और खिलाड़ियों को एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखना होगा और खासतौर पर नए और जूनियर खिलाड़ियों को ये देखना होगा, ये सीखना होगा कि कोई सीनियर ऐसे ही नहीं बनाया है, उसने अपना समय दिया है, अपनी जवानी इस गेम को दी है और लंबा समय इस गेम को दिया है, इसी वजह से वो सीनियर है और लंबे समय से खेल रहा है। अब यहाँ पर रोहित शर्मा ने निहाल वडेरा का नाम तो नहीं लिया लेकिन साफ साफ उन्हीं को कहा क्योंकि पीयूष चावला के साथ बेहद गंदा बर्ताव किया गया, अर्जुन तेंदुलकर के साथ गलत बर्ताव किया गया। रोहित ने कहा कि ये बात है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, कम से कम अपनी टीम में तो बिल्कुल नहीं। तो कुल मिलाकर निहाल वडेरा ने सिर्फ 22 साल की उम्र में बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलत हरकत कर दी, लेकिन साथ ही साथ कप्तान रोहित शर्मा ने भी निहाल वडेरा को भरे मैदान से क्लास लगा दी। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, निहाल वडेरा पर क्या कहना है, रोहित शर्मा की क्लास लगाने पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।